हाँ तो हम थे कोर्ट मैरिज, तो हमने डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करके रख लेते समथिंग। शायद उस टाइम पे वो सातिया पिक्चर बहुत ज़्यादा रिलीज चल रही थी हाँ ट्रेंडिंग सातिया में, पिक्चर हुई तो थी वो तभी। सातिया पिक्चर देख के ना लोगों को बहुत सारा क्रेज़ चढ़ गया, तो वो सब लोगों को आइडियाज़ आ गए थे, तो उस टाइम पे मुझे भी आइडियाज़ आ गए थे। तो मैंने मैं कहा कि चलो एक बार काम करते हैं, आप कोर्ट मैरिज करके आप अपने घर पर रहिए, मैं अपने घर पर रहता हूँ। तो ठीक है, फिर हम लोग ने डिसाइड किया, फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज में की, फिर घर पे भी मैंने घर पे भी आके निकाह किया इनसे, कोर्ट मैरिज भी किए। कोर्ट मैरिज किया लेकिन मेरा कैसा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरा ये मतलब था। तो घर वाले फोर्स कर रहे करके, क्योंकि बोल रहे थे कि गुनाह है, हराम है, जायज़ नहीं है। तो हम लोगों ने बोला शादी करते हैं लेकिन अपने अपने घर में रहेंगे, मैं अभी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पापा तभी रिटायर हुए थे। तो मेरे घर में कुछ ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी का रहता, तो मैं जॉब करती थी। तो मैं बोली मैं अभी 1 साल तक ना, 1 से 2 साल तक बोली मुझे टाइम दो, तो बोले ठीक है तो आप एक हाँ से 2 साल तक का टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो मैं कोर्ट मैरिज किया हमने लेकिन हम लोग अपने अपने घर में रहते थे। तो वही चीज़ लेके फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज करके अपने घर में, मैं अपने घर में। और तो उसके बाद में फिर फैमिली में प्रॉब्लम्स चालू हो गई, इनके घर पे भी प्रॉब्लम्स चालू हो गई कि अभी शायद लड़का आ रहा है देखने के लिए, तो लड़के वाले आए भी थे इनके घर पे। तो मैंने इनसे पूछा, मैं बोला देखो अभी ऐसी ऐसी चीज़ है, तो ये आप जो कर रहे हो ये भी तो गलत है। मैं बोला सीधा सडनली बात कर लो घर पे एक बार। तो शायद इनकी मम्मी पापा ने कहा ठीक है, अब इनका भी एक्चुअली रिश्ता हुआ लगा हुआ था किधर, लड़के वाले आए थे देखने के लिए, सब कुछ हो गया था। तो इनकी इसने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, मैं किसी और को पसंद करती हूँ ये वो। तो उनकी मम्मी ने कहा ठीक है एक बार मेरी बात करवाओ। ठीक है नहीं मेरी मम्मी बोली, मैंने बोला ऐसा ऐसा है, वो मेरे साथ में जो पढ़ता है ना लड़का, उसका भाई है। तो मेरी मम्मी बोली नहीं, मुसलमान से कोई शादी करता है, वो लोग तो कितना शादी करते हैं, मतलब ऐसा तो वो तो थिंक है ही, आजकल भी अभी तक चल रहा है, वो लोग तो कितना शादी करते हैं, उन लोग की एक औरतें थोड़ी रहती है, तू ये गलती कभी मत करना, ऐसा बोलने लगी मम्मी। तो फिर फिर डी एंड मम्मी ने मान लिया, फिर मम्मी ने इनकी बाद में कहा फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने समझा दिया कि ऐसे अब वो लोग वैसे नहीं है, उसके पापा ने तक एक ही शादी किया है, मैं बोली तो वो कहाँ से दूसरी शादी करेंगे, उनके घर में ऐसा किसी ने भी नहीं किया, उनके घर का रूल ही नहीं है ऐसा करके। तो मैंने धीरे धीरे फिर ये कर लिया। तो मम्मी ने क्या बोला कि अभी नहीं, अभी हम लोग ना 6-8 महीने के बाद तेरा उसी से करके दे देंगे शादी। तो 6-8 महीने के बाद पर घर में ऐसा प्रेशर हो गया था ना कि नहीं अभी जल्दी करके लाओ अपने घर पे ले आओ। तो मैंने मम्मी से भी समझाया अम्मी को कि अम्मी देखो ऐसी ऐसी बात है आप थोड़ा सब्र करो। तो अम्मी ने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सब्र करने की बात नहीं है, अब उनको घर पे ले जाओ, क्योंकि बड़ी बाजी की उस टाइम पे शादी हो गई थी। आज मेरी बड़ी बाजी लंदन में रहती है, मेरी उनकी बड़ी शादी, ननद लंदन में है। हाँ तो उनकी शादी हो गई थी। तो मम्मी ने कहा नहीं अभी आपको लाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, घर पे कोई भी नहीं है। तो उस टाइम पे शायद मेरे को लगता है बड़े भाई की भी शादी हुई थी ना, हाँ भाई की तो शादी मेरे हो बड़े गई भाई की भी थी। शादी हो चुकी थी। तो फिर मम्मी ने कहा नहीं अभी आप ले आओ। तो मैंने इनसे पूछा कि देखो अभी ऐसे था मेरे घर पे, बोला अगर नहीं करना है तो मैं आपकी कहीं और शादी करवा देती हूँ। तो मैंने इनसे कहा देखो मेरे भी घर पे ये सारी प्रॉब्लम चालू हो रही है। तो उन्होंने कहा अभी करे तो क्या करे, क्या करे, अब घर पे तो बोल नहीं सकते। तो ये शुद्ध कुछ आंटी के यहाँ पे आए हुए थे, तो सडनली आंटी के यहाँ पे आए हुए। तो फिर मैंने कहा देखो या तो आपको इस पार होना होगा या तो उस पार होना पड़ेगा, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ आज ही चलना पड़ेगा, या तो अगर मेरे साथ नहीं रहना तो आपको यहाँ पे, वो टाइम इतना और कॉम्प्लिकेटेड आप मुझे यहाँ पे था। छोड़ दो, आप अपने रास्ते चले जाओ मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। तो फिर इन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दो, हमने ने शादी की है। तो मैं बोला फिर शादी की है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब मेरे घर पे भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके घर पे आपने 2 साल बोला, 2 साल हो चुका है। बोले नहीं नहीं मेरे लेकिन घर टाइम पे दिया, हमेशा मेरे को मेरे बहुत घर पे कॉपरेट किया। प्रॉब्लम्स, इन्होंने कहा कि मेरे घर पे प्रॉब्लम्स है, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ऐसे हैं। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने इनकी बहन को भी जॉब पे लगा दिया। हाँ मेरी सिस्टर को भी यही जॉब पे लगा हाँ तो है। मैंने बोला अगर आपके घर के प्रॉब्लम्स है तो चलो ठीक है ये भी करते हैं। तो मैंने इनकी सिस्टर को भी जॉब पे लगाया, उनकी सिस्टर भी आज अच्छी खासा जॉब पे। वो आज तक वही जॉब पे। हाँ तो फिर मैडम से मैंने कहा कि देखो अभी या तो आर या पार, या तो आप उस तरफ चले जाओ या इस तरफ आ जाओ। तो मैडम ने बोली अभी मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो मैं बोला अभी आप डिसाइड करो करना क्या है, तो मुझे छोड़ दो, फैमिली तो आपको आज नहीं तो कल किसी ना किसी के लिए तो छोड़नी है, या घर वाले करा के देखो तो छोड़नी है, या मुझसे करो तो छोड़नी है, या तो फैमिली चुन लो या तो मुझे चुन लो। तो रोए धोए बोले नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरी फैमिली है। तो
और मतलब इनका भी मेरा कैसा था कि मुझे तभी नहीं आना था, क्योंकि मेरे को, मैं घर की बड़ी थी, तो मेरी हाँ मतलब कैसा था, पापा भी मेरे रिटायर हो गए थे, तो मैं बड़ी थी, और मेरी बहन भी जॉब पे जॉब करती थी, मेरी बहन और मैं साथ में आना जाना रहता था, मेरा भाई भी जॉब पे था, तो लेकिन एक रहता ना बड़ी है घर की, फिर वही सब रोना धोना, लोग क्या बोलेंगे, ये वो, मम्मी ने तो बोला था करके देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कभी नहीं करके देगी, तो क्योंकि मम्मी ने मेरे से वो जो टाइम था ना, वो टाइम से 6-8 महीने का टाइम मांगा था, तो मैं बोली मम्मी करके दे रही है, इतने साल रुक गए तो 1-6-8 महीना और रुक जाओ, क्योंकि मम्मी बोली मैं घर से ही करके दे दूंगी तुम लोग और का, उस टाइम पे मैं भी राजी नहीं था क्योंकि मेरे भी घर पे बहुत फोर्स चालू थे। क्योंकि ऑलरेडी 2 साल रुक चुके थे। हाँ, तो मेरे घर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू थे, बहुत सारे फोर्स चालू थे। नहीं भाई की हो गए, अभी तुम्हारी भी करनी है। तो मैंने कहा देखो, फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी देखो मैंने ना ऑलरेडी कोर्ट मैरिज कर चुकी है और ये वो बहुत कुछ हो गया। तो मैंने मम्मी से कह दिया ये सारी। तो बोली अगर तू नहीं जा रहा तो मैं चलती हूँ साथ में। बोला नहीं, आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ एक बार। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर मैं बोला आप एक काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक दो जोड़ा कपड़ा लेकर आ जाओ बस। फिर मैडम ने दो जोड़ा कपड़ा लेके अपना घर छोड़ के मेरे पास आ गए। नहीं, वो लोग घर पे भी तो आए थे। वो तो बाद में आए थे, वो बाद में आए थे। फिर मैडम आ गई थी घर पे दो जोड़ा लेके। तो उस टाइम पे मैडम आने के बाद मैंने घर से भी फिर निकाह किया। मैंने कहा मुझे घर से भी निकाह करना है। हमारा कोर्ट मैरिज भी हुआ है और निकाह भी हुआ है, कोर्ट में भी तो काजी रहता है। फिर मैंने कहा नहीं, अभी हम घर पे भी तो उनकी ख्वाहिश थी, हल्दी मेहंदी शरारा, तो वो सारी चीज़ें मैंने की इनके लिए कि हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई, शरारा पहनना तो उनको शरारा लेके दिया। और तो वो सारी चीज़ें की मैंने। और फिर उसके बाद इन्होंने हफ्ते के बाद उसकी मम्मी को कॉल किया और उनकी मम्मी भी रो रही थी काफ़ी कि तू ऐसा मत कर, तो हमको छोड़ के चले गई, ऐसा है वो है। वो मोमेंट एक्चुअल में बहुत बुरा मोमेंट था हमारे लिए, मेरे लिए तो काफ़ी बुरा था क्योंकि मैंने कुछ गलत करके किसी को लाया था। मुझे आज भी वो दिन याद आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो हुई गलती, एक्सेप्टेड गलती है उनकी। माँ से मैं आज भी मेरी माफ़ी माँ मांगता, को हाथ जोड़ के मुझे माफ़ कर दे। मेरा भले ही गलत तरीका था पर मेरा इरादा हमेशा साफ था उनके लिए। हाँ, मैं कोई गलत तरीके से नहीं, हो गई लाइफ में गलती होती है इंसान से। तो उनकी मम्मी इनके लिए रो रहे थे, बहुत रो रहे थे क्योंकि मेरे मम्मी से एक क्लोज बहुत थे। तो मेरी मम्मी को वो टेंशन ले लेके मेरी मम्मी को डिप्रेशन हो गया। ये उनकी मम्मी के बहुत क्लोज थे तो मम्मी सारी बातें इनसे शेयर करती थी। तो बता, मम्मी ने इनकी फिर भी कहा तू आ जा, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ, मैं घर से करवा देती हूँ। मेरी मम्मी वो बोली कि देख ऐसा भाग के गई का नाम मत लगा अपने आप को, मैं करके देती हूँ घर से। मैं बोली अभी क्या, तू भी तो करके ही देने वाली है, मैंने भी कर ही लिया है, कोई बात नहीं। मैं बोली अभी जाने दे, अभी मैं आ गई तो वापस से मैं पीछे नहीं पलटती, अच्छा नहीं होता अभी आने के बाद वापस से पीछे पलटने के लिए। तो तो फिर फिर ये मेरे साथ आ गई तो बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी इसकी मैं वजह। आने के बाद भी मैं रोते रहती थी, मैं रोज़ रोती थी, रोज़ रोती ऐसा कोई थी। दिन नहीं हुआ जो ये इनकी मम्मी पापा को, इनके बहन भाई को मिस नहीं करती थी। रोज़ हमेशा आज क्या कर रही थी कि मेरे, तकरीबन 10-15 दिन इन्होंने भी खाना नहीं खाया था। क्योंकि वो मोमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है। वो जो लड़की ऐसा करती है ना, उसको पता रहता है और उसके घर वालों को पता रहता है। उस टाइम पे मेरी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बहन आज भी मुझे सपोर्ट करती है, मेरी बहन ने बहुत मदद किया उस टाइम पे मेरा। मैं जिस दिन से घर से निकली ना, उसके बाद भी मेरी बहन बात करती थी, देख चल अपन साथ में जाते घर पे, मम्मी बोल रही ना करके देगी, चल देख मैं स्टेशन में खड़ी हूँ, मैं घाटकों पर में खड़ी रहती, वो कुरला, मैं कुरला में थी, वो घाटकों पर में थी, हम लोग रोज़ साथ में जाते थे। तो मेरी बहन बोलती थी चल मैं रुकी हूँ तेरे लिए, तू चल ना करके। और उस टाइम पे मेरा भाई भी मेरे साथ में काम करता था। मैं तुमको ये स्टोरी दूसरे वीडियो में बताऊँगी। तो वो मोमेंट बहुत पेनफुल था। मेरी बहन रोज़ मुझे फ़ोन करके बुलाती थी चल घर पे, मम्मी बहुत रोती, मम्मी ये बोल रही ना तेरे को करके देगी, तू करके देगी, तू घर से करके जा, तू अच्छे से जाना, तू घर की बड़ी बेटी है, तू ऐसा, तेरे को दुल्हन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। मेरी माँ का वो विश पूरा नहीं हुआ कि मुझे दुल्हन बनता हुआ देखे, तो वो विश मेरी बहन ने पूरा किया। वो भी मेरी एक बात है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी माँ को एक बेटी से कम वो मिला, मुझसे तो वो नहीं मिला, लेकिन एक बेटी से मिला। उन्होंने मुझे नहीं देखा दुल्हन बनते हुए।
ये 12 साल पहले की बात है, लेकिन ये बोलते हुए भी ना बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो मोमेंट वैसा था। बस एक ही बात है कि भले आप अगर मैं यही प्यार बोलना करो, चाहूँगी, मोहब्बत करो, हाँ, आप लोग के पेरेंट्स अगर करके देते ना, तो आप लोग उनको भी टाइम दो। पेरेंट्स की बात सुनो, मेरी मम्मी 6 महीने का टाइम इसलिए ली थी कि घर से करके दूंगी तो कुछ दूंगी। हम लोग मतलब थोड़ा फाइनेंशियल रहता था, लेकिन मतलब हमारे गांव में ज़मीन थी, तो मम्मी बोली वो ज़मीन बेचूंगी तो मैं शादी करके दूंगी तुम दोनों का, मतलब दोनों बेटी लोग को मैं देना चाहती हूँ। दिया मेरी मम्मी ने, बाद में दिया, लेकिन दिया। लेकिन उस टाइम पे मम्मी का ऐसा था कि धूम से करूँगी शादी। मेरी मम्मी राज़ी हो गई थी, मुसलमान है तो भी। मेरी मम्मी का बोलने का मतलब क्या है, तुम लोग खुश हो ना, हम लोग को वही चाहिए, पर हम लोग को फिर बाद में कंप्लेन नहीं करने का, क्योंकि ये हमने नहीं चुना, ये तुमने चुना है। मेरी मम्मी आज भी बोलती है कि दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, वही घर है, वही आदमी के साथ में रहना है। अभी तो बच्चे हो गए, बच्चे नहीं भी थे तभी भी मम्मी यही बोलती थी, वही आदमी है, उसी के साथ में रहना, उसी के साथ में ज़िंदगी काटना है, बस अब पीछे नहीं पलटना है। मेरे माँ बाप थोड़े, जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड के हैं, वहाँ के लोग बहुत भोले होते हैं, पहले के होते थे, आजकल के नहीं है, पहले के लोग बहुत भोले। और मेरे माँ बाप की फ़ोटो आपने तो देखी है, वो लोग एकदम भोले, एकदम सीधे सादे हैं मेरे पेरेंट्स। तो मेरी मम्मी का बोलने का मतलब यही है। मेरी बहन ने भी लव मैरिज की है, लेकिन उसने मतलब वो हिंदू ही थे उस जिससे उसने किया है, लेकिन वो मम्मी ये बोलती है अपने मर्जी से करो, किसी से भी करो, खुश रहो। मेरे भाई ने अपने कास्ट में शादी किया, तो मेरी मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि मुसलमान है करके। मेरी मम्मी बोली जान दे बस तू मैं खुश एक ही है। चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगा, आप लोग प्यार करो, मोहब्बत करें, कोई बात नहीं, इन पेरेंट्स, पर पेरेंट्स लोग का दिल मत दिखाओ। क्योंकि क्योंकि कैसा होता है ना, इनके घर वाले तो राजी थे। हाँ, देखो मेरे भी घर वाले राजी थे, पर कहीं ना कहीं मैंने भी अपने घर वालों का बहुत दिल दुखाया, और इस चीज़ के लिए मैं तो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 पार्ट 3 भी बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी आसान नहीं है। उस टाइम की बातें सोच के आज भी रोना आता है, आज भी तकलीफ़ होती है। आज तो अल्लाह ताला ने इतना सब्र दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग इसके बाद और भी जो है, हमारी शादी, शादी के बाद में हम लोग ने क्या क्या किया, क्या हुआ हमारे साथ में, उसमें भी बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी हमारे साथ में हुआ है, वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।